जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं इस समय 5। तो मैं प्रभात फेरी के लिए सुबह सुबह तैयार हो गया हूँ पूरा पूरा। और अभी आपको दिखाते हैं आज की प्रभात फेरी, जो कि रामगढ़ से निकलने वाली है। चलिए चलते हैं, पहुँचते हैं उधर जल्दी से जल्दी, देखते हैं प्रभात फेरी। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास, जय भीम, जय भारत। स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल ग्राउंड लेवल द रियल ब्लॉक्स के पर। साथियों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं रामगढ़ में जो श्री गुरु रविदास सभा के द्वारा प्रभात फेरी निकाली जा रही है। वो रामगढ़ में जो प्रभात फेरी निकाली जाती है, तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भवन, जो रामगढ़ में बना हुआ है। मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हॉल, जो यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे संगत जो है एकत्रित तो होती है, और यहाँ से फिर जो है जो प्रभात फेरी के लिए लोगों अलग अलग रास्तों से होते गली से होते हुए जो है अंत में श्री गुरु रविदास गुरुद्वारा रामगढ़ में जो है वो समाप्त होती है। तो फिलहाल यहाँ पे संगत जो है एकत्रित होने वाली है। कुछ ही देर में यहाँ संगत एकत्रित हो जाएगी और फिर यहाँ से जो है प्रभात फेरी निकल जाएगी। बहुत ही से निकल के जो है जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से निकल के अभी सबसे पहले पहुँच गया छोटू राम जी के घर। तो यहाँ पे संगत पहुँच गई, कीर्तन हो रहा है, दिखाते हैं आपको। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सब कीर्तन करेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे अगले घर पे। अभी चलते हैं हम, संगत चलने वाली है अगले घर में, तो अगले घर दिखाते हैं आपको। Yeah.
अभिजीत जी के गाने
जो अपने घर में सत्संग का कार्यक्रम में जो संगत को बुलाया और यहाँ पे इस समय संगत जो है वो कीर्तन कर रही है। 5-10 मिनट का यहाँ पे कीर्तन होगा, उसके बाद आगे वाले घर पे चलेंगे। आगे आगे दिखाते हैं। छोटे भी बोलन, 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 छोटे
साथियों अभी संगत पहुंच चुकी है प्रभात फेरी से होके यहाँ पे श्री गुरु रविदास गुरुद्वारा रामगढ़ में। तो अभी यहाँ पे आरती हुई है और उसके बाद जो है यहाँ पे संगत को चाय का प्रसाद जो है वो वितरण किया जाए। आपको दिखा देते हैं, ये हमारे गुरु रविदास गुरुद्वारा रामगढ़ की जो किचन है, यहाँ पे ये देखिए चाय जो है जो बिल्कुल तैयार है संगत के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसके बाद जो है चाय का प्रसाद जो है यहाँ पे संगत को दिया जाएगा। और यहाँ पे बिस्किट्स भी रखे हुए हैं संगत के लिए। तो जैसे ही ये कार्यक्रम ख़त्म होता है तो यहाँ पे जो है रामगढ़ जो सभा है गुरु रविदास सभा, इनके द्वारा जो है पूरा प्रबंध जो है यहाँ पे संगत के लिए किया जाता है। प्रभात फेरियाँ रोज़ की रोज़ चलेंगी 24 तारीख तक। तो आप चाहे तो प्रभात फेरी में शामिल हो सकते हैं। सुबह का टाइम है 5 बजे, अम्बेडकर भवन रामगढ़ से जो है वो 5 बजे जो है प्रभात फेरी निकल जाती है। तो आप वहाँ 5 बजे पहुँच सकते हैं और प्रभात फेरी में शामिल हो सकते हैं और प्रभात फेरी का जो आनंद है वो ले सकते हैं, संगत के साथ जुड़ सकते हैं यहाँ पे। तो लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम रहता है और उसके बाद जो है यहाँ पे श्री गुरु रविदास गुरुद्वारा रामगढ़ में जाके जो है यहाँ पे समाप्ति हो जाती है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सुबह जो है 5 बजे अम्बेडकर भवन रामगढ़ में पहुँचे और प्रभात फेरी में जो है शामिल हो और जो प्रभात फेरी की शोभा उसको और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएँ। और संगत को भी आप अपने घर जो है इनवाइट कर सकते हैं वहाँ पे प्रसाद वितरण के लिए, ताकि संगत का जो हौसला अफजाई है वो भी बढ़े। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। संग जीओ के परसों जो शोभा यात्रा है एतवार को, उसके वास्ते गड्डिया तैयार की जानी हैं। तो जिस भी संगत ने जाना है अपना अपना नाम, साडा कोई बंदा तुहाडे कोल जाएगा तो उसको नोट करा देना, क्योंकि पता लग जाए कितनी साडे कोल सवारी है तो कितनी गड्डी करनी है। जय गुरुदेव, जय श्री रविदास जी। अभी आरती हो चुकी है, संगत यहाँ पे जो है बैठ चुकी है यहाँ पे लाइनों में। तो यहाँ पे चाय का प्रसाद दिया जाएगा, साथ साथ में बिस्किट भी जो है संगत को दिया जाएगा यहाँ पे। सुबह सुबह का अभी लगभग 6:30 बजे का समय है। बड़े आराम से जो है संगत यहाँ पे देखिए प्रसाद का वितरण जो है ये यहाँ पे किया जा रहा है। काफ़ी सारी संगत अभी तक जुड़ चुकी है, आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद जो है ये प्रसाद के बाद जो आज की प्रभात फेरी का कार्यक्रम जो है ये समाप्त हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये सारी संगत जो है यहाँ पे बैठी हुई है, काफ़ी सारी संगत बैठी हुई। चलिए पूछते हैं इनसे कि ये प्रभात फेरी में जो है इनका आने का जो जोश है वो कैसा रहता है। तो पूछते हैं हम किसी से यहाँ पे। तो आंटी जी क्या नाम है आपका? अनीता देवी। तो आंटी जी ये प्रभात फेरी में आना कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। तो ये सुबह सुबह उठ जाते हैं आप इतनी जल्दी? हाँ, 4 बजे उठ जाती हूँ जी। तो आप यहाँ पे रोज आते हैं? रोज आती हूँ जी जी जी। तो आप देखें संगत का जोश जो है ये बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और खासकर प्रकाश उत्सव जो है 24 को है, तो प्रभात फेरियाँ चल रही हैं। तो प्रभात फेरियों में जो है संगत का जुड़ना सुबह सुबह जो है सर्दियों का जो कि समय है तो उठना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो और भी पूछते हैं, तो क्या नाम है जी? मेरा नाम तोशी देवी है। तो आंटी जी आप भी रोज आते हैं? हाँ जी, रोज आते हैं। तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है। तो सुबह सुबह उठना कैसा कैसे उठ जाते हैं? जल्दी जागे खुल जाती है, नींद खुल जाती है 4 बजे। जो देखिए जो ये गुरु महाराज की कृपा है कि इनको जो है बड़ी जल्दी जो है नींद खुल जाती है। और मतलब इतनी जो श्रद्धा है इनकी है कि सुबह सुबह उठ जाते हैं और 5 बजे जो प्रभात फेरी है वो शुरू कर देते हैं। लगभग 4:30 बजे यहाँ पे आ जाते होंगे। तो काफ़ी सारी संगत यहाँ पे प्रसाद के साथ पूछते जाते हैं हम यहाँ पे। तो आंटी जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमलता।
तो आप कहाँ से? रामगढ़ से। तो आप भी प्रभात फेरी में रोज आते हैं? जी रोज आते हैं। तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बाकी संगत है? मैं सब संगत को यही मैसेज दूंगी कि आप सभी आओ और आनंद लो सतगुरु महाराज की कृपा का। तो आप देखिए यहाँ पे संगत जो है आनंद ले रही है प्रभात फेरी का। तो आप लोग भी यहाँ पे ये आपको मैसेज दे रहे हैं कि आ सकते हैं यहाँ पे और सतगुरु की सेवा में जो है वो आनंद जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ और संगत भी हैं तो हम उनसे भी पूछते हैं। पापा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम चरणदास है। तो पापा जी आप भी प्रभात फेरी में रोज आते हैं? हाँ डेली जी डेली आना, हमारा तो गुरु है। तो कैसा कैसा महसूस होता है? अपने गुरु के लिए हम सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। तो आप देखिए कितना जोश है यहाँ पे जो है अपने गुरु के प्रति, इतनी श्रद्धा है इनकी यहाँ पे। तो और भी किसी भाई से पूछते हैं। भाई जी क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। तो भाई जी आप भी आते हैं प्रभात फेरी? हाँ 5 दिन हो गए आते हैं। तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जी। तो सुबह सुबह उठ जाते हैं इतनी जल्दी? 4:30 बजे उठ जाते हैं। मुश्किल रहता है सुबह सुबह उठना? नहीं हम उठ जाते हैं, अलार्म लगाया होता है। तो गुरु की श्रद्धा है तो जल्दी जल्दी जो है उठ जाते हैं यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं संगत जो है तो काफ़ी सारा जोश जो है यहाँ पे रहता है। आप भी प्रभात फेरी में आते हैं? हाँ। तो बच्चे तो उठते नहीं सुबह सुबह, आप कैसे उठ जाते हैं? मैं सही मम्मा बोलती है चलो मैं आ जाती हूँ। तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो बाकी जो बच्चे हैं वो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि आप भी आए सुबह उठ के जल्दी और सभी संगत के साथ और मंदिर में आए। बिल्कुल गुरु का नाम लेना चाहिए यहाँ पे आके। हाँ लेना चाहिए। जी जी बहुत धन्यवाद। अभी हम जो सभा के यहाँ पे जो मुख्य सदस्य हैं हम उनसे भी थोड़ी सी विचार लेंगे और कोई मैसेज होगा वो भी हम लेना चाहेंगे। जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास जी महाराज। जो शोभा यात्रा हमारी 18 तारीख को एतवार बड़ी ब्राह्मणा कोठी मोड़ से होती हुई बिश्नाथ से होती सुकंदरपुर जाके समाप्ति की जाएगी, जिसकी रहनुमाई श्री श्री जगस्वाट स्वामी गुरुदेव गिर जी महाराज करेंगे। संगत से बेनती की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में एतवार को 18 तारीख बड़ी ब्राह्मणा कोठी मोड़ से पहुंचकर और शोभा यात्रा की रौनकों बनाए। और सारी संगत से बेनती की जाती है कि एतवार ठीक 11 बजे कोठी मोड़ बड़ी ब्राह्मणा पहुंचकर शोभा यात्रा की रौनकों बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचे। ये जो स्वामी गुरुदीप जी महाराज वहाँ पहुँच रहे हैं और अपनी संगत से निहाल करेंगे। और जो गुरु रविदास जी महाराज का 647वां जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मना रहा है, जिसमें पंजाब के बहुत से संत आ रहे हैं और जिनमें बहुत से कलाकार भी वहाँ पहुँच रहे हैं। संगत से बेनती की जाती है कि बारी बारी संगत में पहुँच कर संगत का अभिनंदन करें और शोभा यात्रा के रौनक बढ़ाए। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदास महाराज की जय। मैसेज भी मिला है कि 18 तारीख को जो है शोभा यात्रा निकाली जा रही है जो कि बड़ी ब्राह्मणा कोठी मोड़ से चलेगी और सिकंदरपुर में ख़त्म होगी। रामगढ़ एरिए के जो भी लोग हैं जो शोभा यात्रा में शामिल होना चाहते हैं वो श्री गुरु रविदास सभा रामगढ़ जो है इनके जो सदस्य हैं इनसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये गाड़ियों का बंदोबस्त करेंगे। तो जितनी ज़्यादा संगत होगी उतनी गाड़ियाँ जो है बंदोबस्त करना है, इसलिए अपना नाम जो है पहले ही लिखवा सकते हैं ताकि जो है उस हिसाब से गाड़ियों का बंदोबस्त किया जा सके। तो बाकी जो प्रभात फेरियाँ रोज़ की रोज़ चल रही हैं हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल ग्राउंड लेवल द रियल ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ एक और नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास।